नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल के कारगिल चौक पर स्थित रामकृष्ण होटल में शादी समारोह में प्रशासन ने मारा छापा, करी त्वरित कार्रवाई। मामला बैतूल के रामकृष्ण होटल का है, जहां पर देर रात शादी समारोह चल रहा था। बताया जा रहा है कि शादी जिनके यहाँ थी वह खुद तहसील में आरआई के पद पर कार्यरत है। प्रशासन को इस बाबत सूचना मिलने पर वहां तुरंत एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने वहां तत्काल कार्रवाई करी। जहां एक तरफ होटल संचालक की होटल को आगामी आदेश तक बंद करवाया, वहीं एसडीएम द्वारा शादी समारोह में आए गए लोगों की काउंटिंग कर उन सभी लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। भैंसदेही थाने पहुंची बैतूल डीएसपी पल्लवी गौर, कहा अभ्य स्कॉट के माध्यम से महिलाओं को होने वाली परेशानियों को किया जाएगा खत्म। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए डीएसपी पल्लवी गौर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा अभ्य स्कॉट का शुभारंभ किया गया था, जो कि लॉकडाउन के कारण यह योजना बीच में ही शिथिल पड़ गई थी। परंतु अब अनलॉक की स्थिति आने के कारण सब चीजें अब सामान्य होने लगी है, तो अभ्य स्कॉट में पुनः ऊर्जा का संचार करने के लिए कॉलेज की छात्राओं के साथ मीटिंग की जा रही है। लॉकडाउन के बाद डीजल के बढ़ते दामों से नाराज होकर बस मालिकों ने सरकार से की टैक्स माफी की मांग। 230 में से चल रही है केवल 30 बसें। बैतूल जिले में लगे लॉकडाउन के बाद अब बस ऑपरेटरों की हालत काफी दयनीय हो गई है। बस ऑपरेटर बड़े असमंजस की स्थिति में है कि किस तरह से सरकार का टैक्स भरा जाए और किस तरह से बसों का संचालन किया जाए। इस हेतु बस चालकों ने सरकार से टैक्स माफी की मांग करी। बैतूल कोठी बाजार में संडे लॉकडाउन के बाद भी दुकान संचालित करने वाले लोगों को कोतवाली पुलिस ने हिदायत देकर हटवाया। जिला मुख्यालय पर रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद भी दोपहर में कोठी बाजार में व्यापारियों द्वारा सब्जी और फलों की दुकानें संचालित की जा रही थी, जिसको लेकर बैतूल के कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को हिदायत दी, शायद ही समझाइश देते हुए तत्काल अपनी दुकानें हटवाने के लिए कहा, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानें हटा ली गई। मुल्ताई करपा के पास कुत्ते को बचाने के दौरान बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार हुए घायल। घटना मुल्ताई के ग्राम करपा की है, जहां पर घाट बिरोली निवासी दो व्यक्ति शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए रविवार को दोपहर 2 बजे करपा की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार के सामने एक कुत्ते के आ जाने के कारण कुत्ते के चक्कर में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिसके बाद एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आई है, वहीं दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल है। मुल्ताई ग्राम सांडिया के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, नशे में था ट्रक ड्राइवर। मुल्ताई विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांडिया के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक नागपुर से सामान लेकर भैंसदेही की तरफ जा रहा था। ग्राम सांडिया के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने के बाद ट्रक ड्राइवर उसमें फंस गया, जहां राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को गाड़ी से दूर किया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था, जो अपना नाम तक नहीं बता पाए। मुल्ताई ड्रीमलैंड सिटी शिव प्रतिमा के सामने किया गया पौधारोपण। नगर के ड्रीमलैंड में शिव प्रतिमा प्रांगण में वृक्षारोपण की पहल पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ की थीम पर की गई। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों और ड्रीमलैंड सिटी निवासियों के सहयोग से उत्कृष्ट विद्यालय की पर्यावरण समिति द्वारा किया गया, जिसमें 60 पौधे टी गार्ड सहित लगाए गए। मुल्ताई के सर्प मित्र ने 14 घंटे में अलग अलग 5 स्थानों पर किया सांपों का रेस्क्यू। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 5 अलग अलग ग्रामों में परमंडल निवासी सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने लगातार 14 घंटे रेस्क्यू कर 4 कोबरा सहित एक हरहरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जानकारी के अनुसार सर्पमित्र द्वारा ग्राम आष्टा बोरगांव मायावाड़ी चैनपुर के अलावा परमंडल के घर में से सांप को पकड़ा गया था। मुल्ताई बैतूल रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने तेज गति से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को मारी टक्कर। मुल्ताई नगर के बैतूल रोड स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने रविवार को सुबह 11 बजे के करीब एक तेज गति से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने मुल्ताई के शास्त्रीवाड़ निवासी भूतपूर्व सैनिक कैलाश जैन 35 वर्ष को टक्कर मार दी और इसके बाद वह फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद कैलाश बाइक से दूर जा गिरे, जिसमें उनके हाथ और सीने में चोट आई है। घटना के बाद वहां उपस्थित लोगों ने घायल को मुल्ताई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां कैलाश का प्राथमिक उपचार किया गया। बैतूल हतनाजिरी गांव में घर में सोते समय युवक को सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत।
मामला बैतूल के हतनाजीरी गांव का है, जहां पर 19 तारीख की रात 11 बजे एक युवक को सोते समय उसके हाथ पर सांप ने काट दिया, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी लगते हुए उन्हें उसी देर रात को युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह इलाज के दौरान करीबन 3:30 बजे युवक सुदामा बेले की मौत हो गई। पट्टन बिश्नूर गांव की घटना, तूफान जीप की टक्कर लगने से एक भैंस की मौके पर मौत, 6 अन्य गाय हुई घायल। मामला प्रभात पट्टन के बिश्नूर गांव का है, जहां पर करीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास तूफान जीप ने मवेशियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गाय घायल हो गई। भैंस राजेश पंडागरे की बताई जा रही है। आमला हसलपुर की रामटेक पहाड़ी पर गायत्री जयंती और गंगा दशहरा पर्व पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने लगाए 230 पौधे। रविवार को आमले के हसलपुर की रामटेक पहाड़ी पर गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। गायत्री जयंती और गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने अलग अलग प्रजाति के 230 पौधों का पौधारोपण किया। आठनेर ग्राम केलवेरा में संतरे की फसल पर कीटों का प्रकोप, किसानों ने फसल बचाने हेतु किया कीटनाशक दवाई का छिड़काव। आठनेर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले केलवेरा गांव में स्थित संतरे की फसल पर किसानों द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर फसल बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए 20 जून को गांव के किसान ने बताया कि मृग नक्षत्र की पहली बारिश के बाद संतरे की फसल पर कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के द्वारा संतरे की फसल को बचाने के लिए आवश्यक रूप से कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। चिचोली खापा स्कूल के पास दो मोटरसाइकिल सवारों में हुई आपसी भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। रविवार को चिचोली नगर से 1 किलोमीटर दूर स्थित खापा के प्राथमिक स्कूल के पास NH-59A पर दो मोटरसाइकिल सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसे डायल 108 के माध्यम से चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 में से एक घायल को बैतूल के लिए रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। भैंसदेही विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने ग्राम पंचायत खामला के ग्रामीणों से की मुलाकात, समस्या हल करने का दिया आश्वासन। भैंसदेही विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने रविवार को ग्राम पंचायत खामला के ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं ग्रामीणों ने विधायक को पानी की समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद विधायक ने तत्काल पानी की समस्या का समाधान करने के लिए PHE विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। भैंसदेही पुलिस ने शीतला माता चौक पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। भैंसदेही पुलिस ने रविवार के दिन सुबह शीतला माता चौक पर फेस मास्क और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों को समझाइश भी दी कि हेलमेट जरूर पहने और निश्चित रूप से फेस मास्क का उपयोग करें। अगर फेस मास्क आपके द्वारा नहीं लगाया जाता है और नियमों का उल्लंघन किया जाता है और आप ऐसे में वाहन चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बैतूल महतगांव के पास सड़क किनारे आम बेच रही महिला को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, घायल महिला इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले महतगांव में सुबह 11 बजे के आसपास तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क के किनारे आम बेच रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को डायल 108 एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां फिलहाल महिला का इलाज जारी है। बैतूल ग्राम भोगीतेड़ा में पारिवारिक कलह के कारण महिला ने खाया जहर, इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए भेजा। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोगीतेड़ा में एक महिला ने पारिवारिक कलह के कारण चूहामार दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला के जहर खाने के बाद परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को बुलाकर महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि भोगीतेड़ा निवासी मीना अपने परिजनों से किसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी, जिसके बाद वह नाराज होकर चूहामार दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी और महिला द्वारा चूहामार दवा खा ली गई। घोड़ोंगरी शोभापुर कॉलोनी में भाजपा नेता के घर में चोरी करने के बाद चोरों ने घर में लगाई आग, 10 लाख से अधिक का नुकसान होने का अनुमान। घोड़ोंगरी तहसील में निवास करने वाले भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगन्नाथ डहरिया के घर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाद में चोरी के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। सुबह जब धुआं निकलता मोहल्ले वालों ने पाया तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया।
बताया जा रहा है कि भाजपा नेता किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा गए हुए थे। सूचना मिलने पर पाथागढ़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास हो रही घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर और ईमेल ID पर वीडियोस को सेंड कर सकते हैं, खबरों को पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।